हेलो स्टूडेंट्स, राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद इस पोएम के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। बीए पार्ट वन सेमेस्टर वन के सिलेबस में ये कविता प्रिस्क्राइब्ड है। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद इज एन अर्ली 20th सेंचुरी इंग्लिश पोएम रिटन बाय सरोजनी नायडू। शी इज ऑल्सो नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। She is an Indian independence activist and a poet from Hyderabad, India. The poem is written in 5 stanzas and it was published in the year 1912 from earlier days. Is lihaz se dekha jaye to Bharatiya Azadi ke purv is kavita ki rachna ki gayi hai. Bharat azad hone ke pehle Bharatiya market Bharatiya bazaar kis tarah se vividhata se paripurn the इस गौरवशाली धरोहर को सरोजनी नायडू अपनी कविता के माध्यम से यहाँ प्रकट करना चाहती है। सरोजनी नायडू दांडी मार्च से लेकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से लेकर अन्य सभी सत्याग्रहों में सत्याग्रही रही है। भारत की आज़ादी के संघर्ष के साथ साथ साहित्य में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। भारतीय अंग्रेजी साहित्य में जो बहुत गिने चुने नाम कवियत्रियों में है उसमें सरोजनी नायडू का नाम प्रमुख है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस कविता के माध्यम से भारतीय बाजार के गौरवपूर्ण इतिहास को हम समझने की कोशिश करते हैं। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद ये एक महत्वपूर्ण कविता है क्योंकि भारतीय इतिहास को आज़ादी के पूर्व इतिहास को समझने के लिए ये कविता हमें मदद करती है। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, सत्याग्रह के आंदोलन के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें इस माध्यम से समझने की कोशिश करनी है। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद इज एसोसिएटेड विथ वन सच सब्जेक्ट The charm and enthusiasm of traditional Indian bazaar in the city of Hyderabad, which is presented in this poem. Gaurushali Bharatiya itihas mein Hyderabad ek ahem role ada karta hai. Hyderabad mein kis tarah se bazaar hua karta tha? Kaise bahut sari cheeze aur logo ka utsah yahan par dikhai deta hai? Aise alag alag cheezon ke bare mein kavyatri yahan varnan karti hai. Naidu had enthusiastically described the bazaar with merchants and vendors selling a diverse range of wares. अलग अलग प्रकार के व्यापारियों का वर्णन इस कविता में हमें दिखाई देता है। The poet stops over at the galleries arranged by the merchants, traders, hawkers, goldsmiths, fruit sellers, peddlers, magicians, musicians, and flower girls. अलग अलग प्रकार के व्यापारियों को सरोजनी नायडू मार्केट में देखती है। इसमें अलग अलग प्रकार के व्यापारी हैं, हॉकर्स है, गोल्डस्मिथ है, सुनार है, फल फूल बेचने वाले हैं, फुटपाथ पर व्यापार करने वाले लोग हैं, जादूगर हैं, संगीत से संबंधित लोग हैं, फूल बेचने वाले लोग हैं। द पोएट डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द सेलर एंड द बायर। Here the poet questions the seller about what they are selling and who in turn answers politely explaining their products. Hyderabad ke bazaar mein kharidne wale aur bechne wale dono ek dusre ke sath kaise sambhashan karte hain iska varnan bhi yahan par hame dikhai deta hai. Hyderabad apne aap mein ek bahut bada multi cultural city hai. Alag alag sanskriti ke bhashaon ke log wahan par rehte hain.
व्यापार के साथ साथ नम्रता भी, पोलाइटनेस उनमें कितना है, इसका वर्णन भी इस कविता के माध्यम से हमें मिलता है। इसलिए उस लिहाज से भी ये कविता इम्पॉर्टेंट है। इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट मूड्स इन द पोएम। इमोशनल मूड्स आर स्टेयर्ड बाय द पोएट व्हेन नायडू मेक्स द रीडर फील दैट द बिजार लाइफ इज ऑल्सो विटनेसेस बोथ सॉरोज एंड जॉयज। सिर्फ खुशियों का वर्णन नहीं पर खुशियाँ और दुख दोनों का वर्णन इस कविता में कवियत्री करती है। इसका मतलब ये है कि कवियत्री जिंदगी के दोनों पहलुओं को अच्छे से जानते हैं। वेडिंग एंड फेस्टिवल ओकेजन्स ब्रिंग जॉय इन द बाजार्स लाइफ। व्हेन पीपल बाय ज्वेलरी गार्लैंड्स फ्रूट्स एंड चिल्ड्रन क्राउडिंग नियर द म्यूजिशियंस। हर उम्र दराज के लोग यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। शादी में इन्वॉल्व बहुत सारे नए नए जोड़ों के बारे में बात हो रही है तो म्यूजिशियन के इर्द गिर्द भीड़ करने वाले बच्चों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा है। द सॉरो एंड सैडनेस इट विटनेस्ड विद अ कॉमन पब्लिक किचन्स आर अरेंज व्हेन द नोबल्स और सोल्जर्स डाई एंड व्हेन फ्लावर्स गर्ल आर सीन वीविंग मैसेस ऑफ वाइट फ्लावर्स टू बी यूज्ड फॉर द डेड पीपल्स ग्रेव। जो दुल्हा दुल्हन के लिए हार बनाते हैं, सहरे बनाते हैं, वही फूल वाले मृत व्यक्ति के लिए भी फूलों की चादर बनाते हैं। ये जिंदगी की दोनों सच्चाइयां कवियत्री इस कविता के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम भी इस कविता में है जिसे हम स्वदेशी मूवमेंट के बारे में जानते हैं। भले ही इसकी चर्चा पूरे कविता में खुलकर नहीं की जाती पर इस पोएम का एक उद्देश्य ये भी है कि भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई जब जारी थी उस दौरान ये कविता लिखी गई है। तो भारतीय परंपरागत व्यवसाय कितने अमीर हुआ करते थे और विदेशी वस्तुओं के आने के बाद भारतीय बाजारों की अवस्था कैसे बिकट हो गई, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी कवियत्री इस कविता में चर्चा करती है। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये कवियत्री और दुकानदार इन दोनों के बीच का संभाषण है। कविता की शुरुआत में ही सरोजनी नायडू उन व्यापारियों से कुछ पूछना चाहती है। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद देर आर सेवरल मर्चेंट्स। द पोएटेस आस्क्स द मर्चेंट व्हाट ही वाज सेलिंग एज ही हैज डिस्प्लेड द प्रिपेयर्ड गुड्स विच इंक्लूडेड टर्बन्स ऑफ परप्लिश्ड रेड एंड सिल्वर कलर। कविता की शुरुआत में ही कवियत्री पूछती है कि व्हाट डू यू सेल ओ ए मर्चेंट्स। वो व्यापारियों से पूछती है कि आप क्या बेचते हैं। मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापारी, दुकानदार। आगे वो कहती है कि रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, क्योंकि दुकानदारों ने अलग अलग चीजें वहां पर सजा के रखी है। वेयर्स का मतलब होता है प्रोडक्ट्स, प्रिपेयर्ड गुड्स, जो तैयार माल होता है। दुकानदार जो नए नए वस्तुएं बनाते हैं उन्हें हम वेयर्स कहते हैं। आर डिस्प्लेड, प्रदर्शन के लिए जिन चीजों को रखा गया। डिस्प्ले का मतलब होता है प्रदर्शित करना, रखना, दिखाने के लिए, केप्ट फॉर शो। इस प्रकार से कवियत्री दुकानदारों से अपने संभाषण को स्थापित करती है। हैदराबाद के जिस बाजार का सरोजनी नायडू यहाँ पर वर्णन करती है उस बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं प्रदर्शित की गई है उसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जब विदेशी वस्तुओं पर भारतीय बहिष्कार कर रहे थे तो ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की पुरजोर कोशिश की, पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरोजनी नायडू प्रतीकात्मक रूप से भारतीय वस्तुएं कितनी सुंदर थी इसी बात को गौरवपूर्ण तरीके से बताने की कोशिश कर रही है। मार्केट में, बाजार में अलग अलग वस्तुएं प्रदर्शित हैं। सरोजनी नायडू आगे कहते हैं, टर्बन्स एंड सिल्वर ट्यूनिक्स और पर्पल ब्रोसेट। टर्बन्स का मतलब होता है हेड कवरिंग, जिन पगड़ियों को, अलग अलग प्रकार के फेटों को हम पहनते हैं उसे हम टर्बन्स कहते हैं। वो गुलाबी कलर के हो सकते हैं, क्रिमजन हो सकते हैं,
सिल्वर हो सकते हैं, और ट्यूनिक्स जिसे हम लॉन्ग शर्ट या जैकेट कहते हैं, और पर्पल ब्रोसाइड। ब्रोसाइड इज अ क्लास ऑफ रिचली डेकोरेटिव शटल वुवन फैब्रिक्स क्लोथ विद गोल्ड और सिल्वर थ्रेड। सोने के तरह धागे या चांदी के कलर के धागों का, जरी का काम जिन कपड़ों में किया जाता है, उन्हें हम ब्रोसाइड कहते हैं। तो इस प्रकार के पर्पल ब्रोसाइड भी उस मार्केट में हमें दिखाई देते हैं। आगे और सरोजनी नायडू अलग अलग व्यापारियों से मिलती है और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करती है। सरोजनी नायडू आगे कहती है, मिरर्स विद पैनल्स, अंबर, अलग अलग प्रकार के आईने, डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड, अलग अलग प्रकार के डैगर्स, खंजीर भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। देर आर ऑल्सो नाइस विद ग्रीन जेम फिटेड हैंडल्स इन द मार्केट। देर आर मिरर्स विद पैनल्स ऑफ डार्क ऑरेंज येलो सब्सटेंस। इंडियन मार्केट्स आर रिच, इंडियन मार्केट्स आर एडोरेबल, एंड बाजार इज अ सिंबल ऑफ क्राउड कलेक्टेड एट वन प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग एंड परचेसिंग गुड्स। भारतीय मार्केट में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं खरीदने और बेचने के लिए। देर आर लॉट ऑफ शॉप्स बिग एंड स्मॉल एंड वेरियस आर्टिकल्स रेडी फॉर सेल, एंड बाजार्स आर इम्पॉर्टेंट टू ऑल। बाजार, ये संकल्पना भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का जमावड़ा यहाँ पर होता है, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का खरीदना और बेचना तो होता ही है, पर बाजार भारतीय जिंदगी का अहम हिस्सा है। यहाँ अगर मार्केट नहीं हो तो शायद लोग निराशा की गर्त में चले जाएंगे। पर यहाँ सरोजनी नायडू सिर्फ वस्तुओं का नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों का भी वर्णन इस कविता के माध्यम से करती है। तो इस मार्केट में मिरर्स विद पैनल्स भी है। पैनल्स का मतलब फ्रेम, प्लेट्स होता है। अंबर एक ऑरेंज डार्क कलर का येलो सब्सटेंस है, पदार्थ है, ठोस पत्थर जैसा। इसके फ्रेम से बने हुए आईने इस बाजार में है। डैगर्स हैं वहां पर, जिनको हम चाकू या छुरी या अलग अलग हैंडल के खंजीर हम समझ सकते बोल सकते हैं। ऐसे अलग अलग डैगर्स भी, जिन्हें हम शार्प पॉइंटेड नाइफ कहते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर डिजाइन वाले खंजीर भी इस बाजार में उपलब्ध है। द इंडियन मार्केट्स आर रिच विद अ वेराइटी ऑफ वेंडर्स एंड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। दे सेल राइस विद सैफ्रॉन लेंटिल बाय वेइंग इट। बाजार में अलग अलग प्रकार के व्यापारी भी हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स भी हैं। कवियत्री उनसे पूछती है, व्हाट डू यू वे ओ ए वेंडर्स। वे का मतलब होता है वजन करना। अब कौन कौन से वस्तुएं वो गिन रहे हैं, तराजू में गिनकर बेच रहे हैं। वेंडर्स का मतलब होता है सेलर ऑन स्ट्रीट। रस्तों पर दुकानें लगाकर अपनी वस्तुएं जो बेचते हैं, उन्हें हम वेंडर्स कहते हैं। क्या बेच रहे हैं? सेफ्रॉन एंड लेंटिल एंड राइस। सेफ्रॉन कलर के, भगवे कलर की दालें, अलग अलग प्रकार की, मसूर की दाल जिस प्रकार से होती है, लेंटिल जिसे कहते हैं, और राइस चावल अनाज भी यहाँ पर मार्केट में बेचा जा रहा है। बाजार सा मेनी फीचर्स ऑफ इट्स ओन, बट द स्पेशल फीचर ऑफ बाजार इज द यूनियन ऑफ पीपल एंड गुड्स एट प्लेस। मार्केट में सिर्फ वस्तुएं खरीदी और बेची नहीं जाती, ये एक प्रकार के बहुत सारे लोगों का एक यूनियन है। यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, और द वाइटल पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ बाजार इज ट्रेड, और इस बाजार का मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना। हजारों प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं, जरूरतमंद लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी जरूरत की चीजें यहाँ पर खरीदते हैं, और जिनके पास जो जो चीजें बनाई हुई है वो बेचते हैं। इस प्रकार से
एक जिंदा मिसाल भारतीय बाजार होती है, प्रतीक होते हैं एक लाइफ का, एक जीवन के चक्र का प्रतीक भारतीय बाजार होते हैं। फर्दर, सरोजनी नायडू आस्क द मेडन गर्ल्स, द मेडन्स, व्हाट डू यू ग्राइंड ओ ए मेडन्स। वहां पर मार्केट में कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां बैठी हुई है, उनसे भी कवियत्री पूछना चाहती है कि आप मार्केट में क्या बेचते हैं। सम गर्ल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ग्राइंडिंग सम स्टफ दैट कंटेन सैंडलवुड। कुछ अलग अलग प्रकार के वस्तुएं पीस करो बेचती है। उसमें एक सैंडलवुड है जिसे हम चंदन कहते हैं, हिनार है, मेहंदी जिसे हम कहते हैं, एंड स्पाइस, कुछ अलग अलग प्रकार के मसाले भी वो पीस कर यहाँ पर बेचती है। इस प्रकार से मेहंदी, सैंडलवुड या अलग अलग प्रकार के स्पाइसेस, ये भारतीय प्रोडक्ट के बदलते हुए रूप को भी यहाँ प्रदर्शित करते हैं। ब्रिटिशों ने जैसे ही मार्केट में प्रवेश किया तो कुछ पैक्ड आइटम मार्केट में बेचे जाने लगे। इसी प्रकार के बदल को, स्थितंतर को कवियत्री यहाँ दर्शाना चाहती है। पैक्ड फूड्स इज सोल्ड रेदर देन बाय वेइंग इट। वजन करके वस्तुएं बेचने के साथ साथ कुछ चीजें पीस कर पैक कर कर भी मार्केट में बेची जाने लगी, तो हम कॉमर्स में या मार्केट में एक प्रकार के बदलाव को भी यहाँ पर देखते हैं। मेड इन गर्ल्स, लड़कियां जिन प्रोडक्ट्स को पीस कर मार्केट में बेच रही है, उन मार्केट के अलग अलग वस्तुओं में सैंडलवुड है, चंदन है, हिना है, मेहंदी है, स्पाइसेस है, मसाले है, इन अलग अलग प्रकार के वस्तुओं को भी भारतीय बाजारों में बेचा जाता है। इससे पता चलता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स की वैरायटी, रेंज ऑफ वैरायटी मार्केट में कितनी है। भारतीय बाजार विविधताओं से भरा हुआ है। इसी बात को कवियत्री कविता के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहती है। कवियत्री सरोजनी नायडू को कुछ पेडलर्स फुटपाथ पर अलग अलग चीज़ें बेचने वाले भी उस मार्केट में दिखाई देते हैं। पेडलर्स वेर कॉलिंग फॉर द सेल ऑफ चेसमैन एंड आइवरी डाइस। वो उनसे पूछती है, व्हाट डू यू कॉल ओ ए पेडलर्स। पेडलर्स ऐसे प्रकार के व्यापारी होते हैं, पर्सन सेलिंग समथिंग बाय ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। अपने हाथ ठेलों पर, अपनी गाड़ियों पर चीज़ों को रखकर अलग अलग जगह बेचने वाले फेरी वालों को हम पेडलर्स कहते हैं। कवियत्री उनसे पूछती है कि आप क्या बेच रहे हैं। उनके पास चेसमैन, चेस खेलते समय जिन गोटियों का हम प्रयोग करते हैं, पॉन्स यूज्ड बाय चेस प्लेयर्स, उसे हम चेसमैन कहते हैं। एंड उनके पास आइवरी डाइस भी है, अ स्मॉल क्यूब हैविंग नंबर्स ऑन ईच साइड, जिसे हम आइवरी डाइस कहते हैं। सांप सीढ़ी या लूडो जैसे गेम खेलते समय जिन गोटियों का हम प्रयोग करते हैं, जिन पर आंकड़े, अलग अलग प्रकार के नंबर लिखे होते हैं, उन्हें हम आइवरी डाइस कहते हैं। आइवरी का मतलब होता है हस्ती दंत, हाथियों के दांत। इन्हीं से पहले के जमाने में ऐसी गोटियां बनती थी, इसलिए इन्हें आइवरी डाइस कहते हैं। तो भारतीय बाजार में इस प्रकार की वैरायटी भी पेडलर्स के पास, फेरी वालों के पास हमें इस कविता के माध्यम से दिखाई देती है। भारतीय बाजारों की यही खूबियाँ है, यही खासियत है कि यहाँ पर ज़रूरतमंदों के लिए अनाज, दालें हैं। इसी बाजार में नए नए प्रकार के कपड़ों की वैरायटी है, बच्चों के लिए खिलौने हैं, और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए गहने बनाने वाले
गोल्डस्मिथ का भी वर्णन, सुनार का भी वर्णन यहाँ पर कवियत्री करती है। वो पूछती है, व्हाट डू यू मेक ओ ए गोल्डस्मिथ। गोल्डस्मिथ का मतलब होता है सोने और चांदी के गहने बनाने वाले सुनार। गोल्डस्मिथ से यहाँ पूछती है कि आप क्या बना रहे हैं। रिस्लेट, ब्रासलेट जो चूड़िया कंगन हाथों में पहनाए जाते हैं, रिस्लेट, एंड एंकलेट जो पैंजन पैरों में पहनती महिलाएं, उस एंकलेट को भी ये बनाते हैं। एंकलेट इज ऑर्नमेंट वोन अराउंड एंकल, एंड रिंग अलग अलग प्रकार की अंगूठियां भी है। साथ ही साथ बेल्स फॉर द फीट ऑफ द ब्लू पीजन्स, नीले कलर के दिखने वाले पीजन्स के लिए, कबूतर के लिए अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे रिंग्स भी बनाए जाते हैं जो उनके पैरों में पहनाने के लिए काम में आते हैं। यही भारतीय मार्केट की खूबियां है, यही भारतीय मार्केट की विशेषताएं है कि हर एक व्यक्ति को जो जो चीज़ें यहाँ पर लगती है जिंदगी में, वो सारी चीज़ें भारतीय बाजारों में उपलब्ध है। और यही वजह थी कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का स्वीकार का नारा भारतीय विद्वानों को देना पड़ा। In the market, there are goldsmiths who make wristlet, anklet, and rings. The bells for the pigeons' feet, which are frail, fragile, delicate, like dragon's fly's wing. Frail as a dragon's fly's wing. भौरे के पंख जैसे नाजुक होते हैं, उसी प्रकार से नाजुक नाजुक रिंग्स कबूतर के पैरों में पहनाने के लिए गोल्डस्मिथ बनाते हैं। इन्हीं के साथ साथ गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स, डांसर्स कमर में जो कमरपट्टा कमरबंद पहनते हैं उसे हम गर्डल्स कहते हैं। ये बेल्ट अराउंड द वेस्ट, कमर के इर्द गिर्द पहनाने वाला पहनाए जाने वाला ये एक प्रकार का बेल्ट होता है जो धातुओं से, गोल्ड से, चांदी से बनाया जाता है। Scabbards of gold for the king. सिर्फ dancers के लिए girdles यहाँ पर नहीं बनते, dancers के लिए सिर्फ कमरबंद यहाँ पर नहीं बनते, तो यहाँ पर scabbards भी बनते हैं। Scabbards होते हैं sheath और cover for the blade of the sword or dagger, typically made of leather or metal. चमड़े से या धातु से तलवारें रखने के लिए, खंजीर रखने के लिए जिन म्यानों का प्रयोग किया जाता था उन्हें हम स्कैबर्ड्स कहते हैं। राजाओं महाराजाओं के लिए इस प्रकार के गोल्ड के, सिल्वर के, अलग अलग प्रकार के या लेदर के ऐसे स्कैबर्ड्स इस मार्केट में दिखाई देते हैं। एक ज़रूरतमंद गरीब आदमी से लेके राजाओं महाराजाओं तक लगने वाली बहुत सारी वेराइटी की वस्तुएँ हमें भारतीय मार्केट में दिखाई देती है। द पॉइंट हैज आस्क फर्दर, व्हाट डू यू क्राई ओ ए फ्रूट मैन। फल बेचने वाले लोगों से भी कवियत्री संवाद साधने की कोशिश करती है। वो उन व्यापारियों से पूछती है, द फ्रूट मैन were shouting to sell fruits like citron, pomegranate and plum. अलग अलग प्रकार के फल ये फ्रूटमैन बेच रहे हैं। सीट्रन फ्रूट लाइक लेमन, मौसम्बी जैसा पदार्थ वस्तु है, फल है। पोमोग्रेनेट अनार जिसे कहते हैं, टफ ऑरेंज रेड लाइक फ्रूट है, एंड प्लम जिसे हम आलू बुखार कहते हैं। इस प्रकार के अलग अलग फल भी मार्केट में बेचे जाते हैं। तो जिस प्रकार से गोल्डस्मिथ के बारे में बात करती है, वेंडर्स के बारे में बात करती है, पेडलर्स के बारे में कवियत्री बात करती है, तो फ्रूट बेचने वाले साधारण व्यापारी भी कवियत्री की नज़रों से दूर नहीं हैं। उनका ध्यान इन व्यापारियों की तरफ भी जाता है जो अलग अलग प्रकार के फल बेचने के लिए मार्केट में आए। There are musicians who are played sitar, sarangi and drum.
म्यूजिशियंस अलग अलग प्रकार के वाद्यों को इस मार्केट में अपने हुनर को पेश करने के लिए आते हैं। वो कवियत्री इन म्यूजिशियन से भी, संगीतकारों से भी सवाल पूछती है। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस? सितार है, सितार, सारंगी और ड्रम, ये अलग अलग प्रकार के वाद्य हैं। सितार और सारंगी ये दोनों स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जिन्हें हम तंतु वाद्य कहते हैं। इस प्रकार के वाद्य प्ले करने वाले भी आर्टिस्ट इस मार्केट में उपलब्ध हैं, और ड्रम बजाने वाले, बैंड बजाने वाले आर्टिस्ट भी इस मार्केट में हैं। अपने हुनर को लोगों को दिखाने के लिए ये लोग इंडियन बाजार्स में आते हैं। ऐसे विविधतापूर्ण मार्केट का सरोजनी नायडू वर्णन करती है। कवियत्री सरोजनी नायडू की पारखी नजरों से मैजिशियंस जादूगर कैसे बच सकते थे? मैजिशियंस वेर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मार्केट, पर हैव चैंटिंग फॉर द लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू कम। उन मैजिशियन से, जादूगरों से सरोजनी नायडू पूछती है, व्हाट डू यू चांट ओ मैजिशियंस? स्पेल्स फॉर द एयॉन्स टू कम। उन जादूगरों से पूछती कि आप क्या मंत्र उच्चारित कर रहे हैं। चांट का मतलब होता है मंत्रोच्चार करना। स्पेल्स फॉर द एयॉन्स, एयॉन का मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन, आने वाले बहुत लंबे समय तक। ऐसा लगता है कि ये जादूगर कई सदियों से उन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। भारतीय बाजारों में अपने अपने हुनर को दिखाने के लिए वहां पर मैजिशियंस भी है। Flower girls were weaving the tassels to crown for the brow of the bridegroom and flower arrangements to decorate his bed. फूलों के काम करने वाली महिलाएं, लड़कियां भी इस मार्केट में हैं। कवियत्री उनसे पूछती है, व्हाट डू यू वीव? वीव का मतलब होता है बुनना। क्या बुन रहे हैं आप? ओ ए फ्लावर गर्ल्स विद टसल्स। टसल्स अलग अलग प्रकार के झुमके की तरह बनाए गए फूलों के डिजाइन से, हैंगिंग नॉट फॉर डेकोरेटिंग क्लॉथ्स, जिसे लटकन हम कह सकते हैं, ऑफ एज्योर, स्काई ब्लू एंड रेड। एज्योर कलर के, स्काई ब्लू कलर के और रेड कलर के अलग अलग प्रकार के फूलों से दूल्हे को जिस प्रकार से सेहरा लगता है, उस सेहरे के लिए भी ऐसे लटकन वाले अलग अलग मालाएं वो बना रही है। क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ ए ब्राइडग्रूम। ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, और ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा। दूल्हे के सेहरे में लगने वाले फूलों की मालाओं के लटकन भी ये फ्लावर गर्ल्स इस मार्केट में बना रही है। खूबसूरती फूलों की, जरूरतमंदों के लिए दाल चावल अनाज, महिलाओं के लिए गहने, बच्चों के लिए खिलौने, कलाकारों के लिए जादू के खेल, आर्टिस्ट लोगों के लिए सारंगी, सितार, बैंड जैसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे न जाने कितनी वैरायटी से, कितनी विशेषताओं से भारतीय बाजार भरे हुए हैं। द फ्लावर गर्ल्स आर बिजी इन मेकिंग चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड। नए दूल्हा दुल्हन के लिए जिन फूलों की मालाओं का प्रयोग होता है, उन फूलों की मालाओं को बनाने में ये फ्लावर गर्ल्स बिजी है। शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गैदर्ड, ऐसे नए नए फूलों से उनके बिस्तर पर बिछाए जाने वाले फूलों की चादरों को बनाने के लिए भी वो व्यस्त है। तो शादियों में लगने वाले फूल की मालाएं, वहां पर लगने वाले फूलों को बिछाने के लिए बिस्तर पर लगने वाले फूल, ऐसे अलग अलग प्रकार के फूलों के लिए भी ये फ्लावर गर्ल्स।
इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये सिर्फ खेल खिलौने की कहानी नहीं है, ये सिर्फ दालें और अनाज की कहानी नहीं है, ये सिर्फ संगीत, सितार और गिटार की कहानी नहीं है, बल्कि कवियत्री जिंदगी की दूसरी सच्चाई को भी इस कविता के माध्यम से वर्णित करती है। अपनी अंतिम पंक्ति में सरोजनी नायडू कहती है, फ्लावर्स टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, द फ्लावर गर्ल्स वेर ऑल्सो बिजी मेकिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स ऑफ दोज हु वेर डेड। मृत व्यक्तियों के जनाजे के ऊपर चढ़ाने के लिए जिन फूलों की जरूरत पड़ती है, फूलों के चादर लगते हैं, हार लगते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार की मालाएं बनाने में भी ये फ्लावर गर्ल्स बिजी है। तो कुल मिलाकर इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद ये भारतीय जीवन की कहानी है, कुल मिलाकर ये खुशियों और गम की कहानी है, सिर्फ खुशियाँ ही नहीं बल्कि जिंदगी की दूसरी सच्चाई को भी सरोजनी नायडू बखूबी इस कविता में इन्वॉल्व करती है। इस प्रकार से ये कविता आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी आपको मदद करेगी और हर एक शब्द को आसानी से आप समझ सकते हैं, हर एक भाव को, कविता की थीम को भी आप इसका वीडियो लेक्चर के माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑब्जर्विंग, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।